हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। यू आर स्टेइंग एट योर होम। उम्मीद करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे, सभी अपने घर पर होंगे, सभी ठीक होंगे। ओके बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर सेकेंड। इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट कम्स अंडर द क्लास 10th केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, तो बेटा ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसमें हम, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा इसमें, फर्स्टली व्हाट अबाउट एसिड, एसिड क्या होता है। तो बेटा एसिड को हम बोलते हैं, अगर हम बात करें हिंदी में बोलते हैं अम्ल, ठीक है। आज तक हमने 6th, 7th, 8th, 9th क्लास तक हमें ये पढ़ाया गया बेसिक, द सबस्टांस विच आर श्योर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं श्योर इन टेस्ट, मीन्स खट्टे। तो हम ये पढ़ेंगे कि एसिड हमारे डेली लाइफ में, इन चैप्टर को रीड करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि इन चीज़ों का हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, किस लिए बनाया गया, क्या सीखते हैं हम इस चैप्टर से। तो एसिड अम्ल टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे। फॉर एग्जांपल टमाटो सभी खाते हैं, यूज़ भी होता है घरों में टमाटर। टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। तो इसका मतलब उसमें भी क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका एसिड। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, लेमन मीन्स नींबू, आंवला, इन सब में क्या होते हैं बेटा आपके, एसिड होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे। विनेगर, सिरका, जो आपने देखा होगा घरों में यूज़ किया जाता है, या फिर जो चाउमीन बनाते हैं उनमें भी क्या यूज़ होता है, सिरका यूज़ होता है। इमली जो होती है वो भी कैसी होती है बेटा, खट्टी, उसमें भी क्या होता है बेटा आपका, एसिड। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे टमाटो है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, विनेगर है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, टामारिंड है इसमें कौन सा एसिड मिलता है। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इनका एसिडिक नेचर क्यों होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे टोमेटो है, क्लियर, ये तो पता है कि कैसा है, टेस्ट में शोर है, शोर है तो इसका मतलब एसिड है, इसका मतलब इसके अंदर एक पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये क्या है, शोर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्लियर बेटा। सेम एज इट इज, नेक्स्ट आता है मेरे पास, अगर हम बात करते हैं बेस, मींस क्षार, हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोला जाता है बेटा, क्षार, क्या कहते हैं। सेम एज इट इज, हमने 8th, 9th क्लास तक यही पढ़ा है, बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा,
ठीक है। अब जो चीज कड़वी होती है क्या उनमें बेस होता है? हम तो यही पढ़ते हैं क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वो सोप जो आपका साबुन होता है उसमें क्या होता है बेटा, आपका बेस होता है, कड़वा होता है, टेस्ट करके देखोगे। ठीक है, देख लेना। बिटर इन टेस्ट या इन चीज़ों का हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? मान लीजिए अगर मैं आपको बताती हूँ एसिडिटी हो जाती है, सुना होगा आप लोगों ने क्या बेटा एसिडिटी, ठीक है, क्या किस वजह से होती है? एसिडिटी का मीन्स होता है एक्सेस एसिड इन स्टमक, मतलब जो पेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड हो जाता है जिसकी वजह से इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, मीन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो क्या हो गया, एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो गया ना, एसिड तो क्या करे बेटा, बेस यूज़ करना होगा, मीन्स जिससे हम क्या यूज़ करते हैं, इनो। हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सॉरी, इनो यूज़ करते हैं, क्लियर, ठीक है, ताकि जो एसिडिटी है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और हम ठीक हो जाए। हम सुबह उठते ही क्या करते हैं बेटा, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, बेस होता है। क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमें मधुमक्खी काट जाती है, हनी बी स्टिंग, मधुमक्खी काट जाती है, मधुमक्खी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एसिड प्रेजेंट होता है, उसका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए अभी बताया जाएगा आपको। सेम एज इट इज़ एक होता है वास्प स्टिंग, मीन्स ततैया जिसको आप लोग बोलते हो, उसके डंग में स्टिंग में क्या होता है बेटा, बेस प्रेजेंट होता है। आंट स्टिंग जो चींटी होती है, अगर आपको चींटी काट जाती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। क्या वो मुनी चक्के थोड़ी ना दिखते हैं, बट फिर भी उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड बेस। सेम एज इट इज़ जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड, अगर हम उन्हें छू लेते हैं तो हमारी स्किन पे इरिटेशन होने लगती है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें एसिड बेस की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है। तो हनी बी स्टिंग में एसिड मिलता है, वास्प स्टिंग मीन्स ततैये के डंग में क्या मिलता है हमें, बेस मिलता है। आंट स्टिंग मीन्स चींटी जो होती है उसमें क्या मिलता है बेटा, एसिड प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनसे टच करने पे इरिटेशन होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, तो उस प्लांट्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है आपका, एसिड प्रेजेंट होता है। तो इन चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया एसिड वो होता है शोरिन टेस्ट, शोरिन टेस्ट मीन्स इनके अंदर पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट है। तो सेम एज इट इज बेटा जो बेस है, ठीक है, वो टेस्ट में बीटर है, क्यों है, क्योंकि उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। तो जब हमें कोई हनी भी स्टिंग काट जाती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो ही क्यों लेते हैं, अगर वास स्टिंग ततैया काट जाता है उसमें बेस होता है तो क्या यूज़ करना चाहिए। तो हम इन चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो एक आता है बेटा टॉपिक नेक्स्ट सॉल्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड है आपकी सारी चीज़ें। सॉल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं एक साथ, आर कंबाइन टुगेदर टू गिव अ न्यूट्रल। तो
तो ये हमें क्या देता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस देता है। उस न्यूट्रल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लवण। ये क्या होता है, अगर किसी चीज़ में एसिड है तो हम बेस उसके अंदर कंबाइन कर सकते हैं ताकि वो उसके एसिड के इफेक्ट को कम कर दे, वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर किसी चीज़ में बेस होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं ताकि वो सब्सटेंस जो है, जो भी एसिड है, वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और हमें क्या समझ जाए, न्यूट्रल सब्सटेंस मीन्स जिसके अंदर ना एसिड हो ना बेस हो, वो क्या हो जाए, न्यूट्रल। एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या कर देते हैं बेटा, ख़त्म कर देते हैं। तो सेम एज इट इज, अगर एसिडिटी हो जाती है, अभी बताया था बेटा, अगर क्या हो जाती है, एसिडिटी मीन्स एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सेस एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, जिसकी वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एसिड मीन्स एसिड ज़्यादा हो गया तो हमें एसिड के इफेक्ट को कम करना है। अभी हम पढ़ के आए सोल्ट क्या होता है, अगर एसिड ज़्यादा हो तो उसके इफेक्ट को कौन कम करेगा, बेस। अब एसिड ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, बेस, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाए और जो भी एसिडिटी थी वो रिमूव हो जाए और डाइजेस्ट होने लग जाए। तो एसिड हो तो बेस का यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज, अगर आप क्या करते हैं, अगर आपको हनी बी मीन्स मधुमक्खी काट जाती है, मधुमक्खी में क्या प्रेजेंट होता है उसके स्टिंग्स में, एसिड, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए बेटा, बेस, ताकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए और वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। क्लियर। सेम एज इट इज बेटा, अगर वास्प स्टिंग है, ततैया है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट, अभी बताया था क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बेस, तो क्या डालेंगे, बेस प्रेजेंट है, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए एसिड यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल। जैसे ततैये ने काट लिया तो हम लेमन उसके ऊपर क्या कर लें, रब कर लें, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाए और वो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। आंट स्टिंग है, चींटी काट जाती है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा चींटी में, एसिड, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, बेस, ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए और वो क्या हो जाए आपका, न्यूट्रल हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में एसिड हैं, जैसे टोमेटो हो गया, लेमन यूज कर लिया, बेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत सारी मेडिसिन में, दवाइयों में यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, केमिकल जो नेम है वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। यह हम यूज करते हैं, सबसे इजी नेम आपने घरों में भी देखा होगा, सुना होगा, बेकिंग सोडा। तो क्या यूज कर सकते हैं हम बेटा, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। अगर एसिड है जैसे हनी बी ने काट लिया तो हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है इसका, Na सिंबल किसका है बेटा, सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। क्लियर। तो ये बेसिक से चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ से रिलेटेड, इसलिए हमें एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। डेली लाइफ में इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, कहाँ इनके यूज़ होते हैं। ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो, आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो में जो समझाया है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, आपको समझ आया होगा। घर पे रहिए बेटा, कोरोना से बच के रहिए।
ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।